सो गाइस आज के इस वीडियो में आपको जो है घूमते रहे बनाना सिखाऊंगा, जिसको गाइस यहाँ पर जो आप कहीं पर भी नहीं चल सकते हो, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। और गाइस आपको जहाँ पर भी 220 बोल मिलेगा वहाँ पर आप जो इस पर गाना बजा के सुन सकते हो। सो गाइस बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है आज के इस वीडियो पर। सो गाइस वीडियो को पूरा अंत तक देख के जाना, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है और गाइस बहुत ज़्यादा कम पैसों में बन जाएगा देसी जुगाड़ में। सो गाइस चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। होम थिएटर को बनाने के लिए यहाँ पर आपको जो कुछ कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगा, तो सबसे पहले जो हमारा मेन चीज़ है हमारा जो सर्किट है, तो मैं इस बोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दो जो है पोटेंशियोमीटर चाहिए 100K का, तो देख सकते हो कुछ इस तरह का। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक सब वूफर चाहिए, ये वाला जो सब वूफर है गाइस 30 वाट का है। और उसके साथ आपको एक ट्यूटर का स्पीकर चाहिए छोटा सा, ये वाला गाइस 8 वाट का है। तो ये जो है अच्छा है, अच्छे से जो है वर्क करेगा इस बोर्ड पर। तो अभी मैं आपको कनेक्शन बताऊंगा अच्छे से, आप लोग कनेक्शन जो है अच्छे से समझना किस तरह से आपको कनेक्शन करना है, बहुत ईजी है। तो देख सकते हो हमारा वॉल्यूम स्पीकर, उसके बाद फ्रेंड्स 5V DC आउटपुट, उसके बाद फ्रेंड्स सब वूफर के लिए देख सकते हो प्लस माइनस। और अगर आप लोग इस बोर्ड का यूज़ करते हो तो आप लोग जो है आसानी से वायरिंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो बोर्ड पर सारा कुछ प्रिंट आउट है। तो अभी जो है पोटेंशियोमीटर आपको लगाना है बेस पर, तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा आपको करना क्या है। पोटेंशियोमीटर को सीधा इस तरह से रखना है आपको, उसके बाद फिर आपको सीधा सीधा जो वायर को कनेक्ट करना है, जिस तरह से देख सकते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट हमारा ब्लैक है, उसके बाद फिर ऑरेंज और रेड। तो गाइस मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। सो कनेक्शन जो हो चुका है हमारा बेस का यहाँ पर कंप्लीट। तो आप लोग यहाँ पर जो सिंगल एक पोटेंशियोमीटर का यूज़ कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर वॉल्यूम का करना है, तो वॉल्यूम का कनेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप लोग अच्छे से समझना। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा ब्लैक है, ये भाई हमारा ग्राउंड है। तो आपको करना क्या है, एक आपको पोटेंशियोमीटर लेना है डबल चैनल का, और नीचे का जो पिन है ऊपर का पिन दोनों का आपस में जो है शॉर्ट करना है, शॉर्ट करके यहाँ पर आपको ग्राउंड बनाना है। तो यहाँ पर आपको ब्लैक वाला जो वायर है इसको यहाँ पर आपको ग्राउंड, इसको यहाँ पर आपको दे देना है कनेक्शन। उसके बाद जो दो वायर बचता है उसको फिर आपको बीच का दो पिन है पोटेंशियोमीटर का वहाँ पर आपको कनेक्ट करना है। और जो एक्स्ट्रा जो साइड का दो पिन बचता है वहाँ पर आपको ऑडियो इन करना है। तो ऑडियो इन यहाँ पर आप जैक से भी कर सकते हो, ब्लूटूथ मॉड्यूल से भी कर सकते हो। उसके बाद वायरिंग जो मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करना। सो गाइस यहाँ पर कनेक्शन हो चुका है हमारा वॉल्यूम और बेस का, देख सकते हो बहुत ईजी है गाइस। और गाइस अभी जो है यहाँ पर ट्रेवन का मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस ट्रेवन का यहाँ पर मैं कोई पोटेंशियोमीटर का यूज़ नहीं करूँगा, आप लोग कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको जो शॉर्ट कर दूँगा जिससे ट्रेवन जो है डायरेक्ट हो जाएगा। आपको करना क्या, जो सेकंड और थर्ड जो पिन है इन दोनों को जो आपको शॉर्ट कर देना। उसके बाद जो स्पीकर का है, स्पीकर का भी वायरिंग बहुत ईजी है। आपको करना क्या, जो ब्लैक बना वायर है ये गाइस हमारा कॉमन है, और जो दो वायर बचता है ये गाइस लेफ्ट राइट है ऑडियो। तो आप कोई सा भी एक वायर लेना है आपको लेफ्ट राइट से, और जो हमारा ग्राउंड है ग्राउंड को लेना है, और आपको ट्यूटर पर जो आपको इस तरह से कुछ कनेक्शन कर देना है, बहुत ईजी है गाइस। और मैं यहाँ पर जो जो चीज़ कंपोनेंट का यूज़ कर रहा हूँ सारा जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, स्पीकर पोटेंशियोमीटर बोर्ड सारा कुछ जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, ब्लूटूथ मॉड्यूल का भी दे दूंगा। तो गाइस अभी यहाँ पर सब वूफर का कनेक्शन करना है, तो सब वूफर जो है बोर्ड पर प्रिंट आउट है, मैं पीछे की तरफ से मैं कर दूंगा। सो गाइस इसका भी कनेक्शन हो चुका है। अभी गाइस यहाँ पर ट्रांसफार्मर, तो गाइस ट्रांसफार्मर में नहीं बताया था, तो इस ट्रांसफार्मर का देख सकते हो 12 वोल्ट का है 2.5 एम्पियर का। तो इस ट्रांसफार्मर में देख सकते हो यहाँ पर 0-12 है गाइस, 12-0 का ट्रांसफार्मर है। और यहाँ पर बोर्ड पर जो है प्रिंट आउट है 12-0-12 का, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होना। यहाँ पर आप जो है 12-0 का भी ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हो, आपको 12-0-12 का ट्रांसफार्मर नहीं चाहिए। आपको सिंपली करना क्या है, जो हमारा दो वायर है तो इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है। तो आपको करना क्या है, कोई सा भी एक सबसे पहले वायर लेना है, और वायर को जो बीच का जो पिन है वहाँ पर आपको कनेक्ट करना है, क्योंकि गाइस ये वाला हमारा ग्राउंड है। तो ग्राउंड पर आपको सबसे पहले जो है एक पिन को, एक वायर को कनेक्ट करना है। उसके बाद फिर दोनों साइड से कोई भी एक पिन पर आपको दूसरा वायर को कनेक्ट करना है। तो गाइस ये बार हो चुका है हमारा बोर्ड जो है अच्छे से वर्क करेगा। उसके बाद फिर मैंने एक LED बल्ब को लिया हूँ, और उसके कोई भी एक पिन पर मैं 1K का एक रजिस्टर को कनेक्ट किया हूँ। उसके बाद फिर जो बोर्ड का जो 12 कैपेसिटर है उसके नीचे का जो प्लस माइनस है वहाँ पर आपको इसको कनेक्ट कर देना, जिससे क्या होगा जो इंडिकेटर है यहाँ पर वर्क करेगा। सो गाइस उसके बाद मैं इसका जो यूज़ कर रहा हूँ जो हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल है, तो गाइस इसको मैं क्या किया हूँ, जो हमारा हेडफोन आता है हेडफोन का जो स्पीकर का आउटपुट है जो दो वायर बचता है, तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया हूँ। और इसको जो आपको जो मैंने हमने बताया था वॉल्यूम का जो दो पिन बच गया था वहाँ पर आपको ऑडियो इन करना है। तो बहुत ईजी है गाइस,
आपको जिस तरह से ऑडियो आपको जो है इन करना है। तो यहाँ पर आप जेब का भी 2000 लगा सकते हो या फिर जो ब्लूटूथ मॉडल है उसको यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, तो आपकी मर्जी। सो यहाँ पर जो पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है गाइस देख सकते हो। तो अभी यहाँ पर पावर को ऑन करते हैं, वो यहाँ पर देख सकते हो एनईडी बल्ब जो है जल चुका है, तो हमारा जो है यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस अभी मैं गाना नहीं बजाऊंगा, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद गाना आपको बजा के सुनाऊंगा। सो गाइस होम थिएटर को बनाने के लिए मैं जो इसी का यूज़ कर रहा हूँ, आप भी इसी का यूज़ कर सकते हो। और गाइस बहुत यूनिक सा जो आइडिया है, तो इसका जो यूज़ कर रहा हूँ आप भी करना। तो गाइस चलिए अभी जो है यहाँ पर जो स्पीकर है, स्पीकर को कहाँ पर फिट करना है मैं आपको बताता हूँ। जो सबवूफर है, सबवूफर को मैं कोई भी एक साइड पर यहाँ पर फिट कर दूंगा। और जो हमारा सैटेलाइट स्पीकर है छोटा सा, इसको गाइस सामने की तरफ जो मैं यहाँ पर अच्छे से फिट जो है आ रहा है, तो यहाँ पर मैं फिट कर दूंगा। सो गाइस यहाँ पर जो ड्रॉ हो चुका है, और जो है कुछ यहाँ पर पोटेंशियोमीटर भी स्विच जो है मैं फिट करूँगा। तो पोटेंशियोमीटर सामने की तरफ जो मैं 2 फिट करूँगा, और ऊपर जो है इंडिकेटर को यूज़ करूँ फिट करूँगा, और पीछे की तरफ जो है स्विच को और ऑडियो आउटपुट के लिए एक जैक को मैं यहाँ पर फिट कर दूँगा। सो गाइस यहाँ पर जो है कट हो चुका है, कंप्लीट है गाइस कट, तो सब कुछ हो चुका है। अभी गाइस आपको करना है एक एक करके सारा कुछ जो इसका अंदर मान मसाला जो है भरना है, और कनेक्शन जिस तरह से मैं आपको बताया था पहले, इस तरह से आपको कनेक्शन करना है। तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मर को गाइस इसके अंदर जो है अच्छे से फिट करने के लिए, यहाँ पर मैं एक प्लास्टिक को जो है मोड़ के कुछ इस तरह से देख सकते हो बनाया हूँ, और इसको जो स्क्रू से आपको अच्छे से इसके अंदर फिट कर देना है ट्रांसफॉर्मर को। सो गाइस यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर को फिट कर दिया हूँ, और यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मर पर जो 220 वोल्ट का सप्लाई है इसको भी मैंने यहाँ पर कनेक्शन करने है, वीडियो ऐसे भी लंबा हो जाएगा। और गाइस आपको एक स्विच का जो यहाँ पर कनेक्शन करना है, बहुत ईजी है गाइस आप लोग जो है कर लोगे। सो गाइस अभी जो है सर्किट है, सर्किट को इसके अंदर फिट करना है, और सर्किट को मैं जो है इसके दूसरी साइड जो अपोजिट साइड पर मैं इस तरह से यहाँ पर स्क्रू से अच्छे से इसको फिट कर दूंगा। और आपको जो इसको अच्छे से टाइट करके फिट करना है, नहीं तो गाइस वाइब्रेट होगा और साउंड क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंट आएगा। सो गाइस कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, सारा कनेक्शन मैंने कर दिया हूँ जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था, सारा का सारा इस तरह से मैंने इसको कर दिया हूँ। अभी गाइस आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो स्पीकर का कनेक्शन है मैंने तार निकाल के रखा हूँ, आपको सिर्फ यहाँ पर अभी स्पीकर का कनेक्शन करना है मुझे, और पूरा का पूरा हो जाएगा कंप्लीट। सो गाइस सारा कुछ हो चुका है, हमारा जो है होम थिएटर पूरा का पूरा यहाँ पर बन के तैयार है, देख सकते हो बहुत ज़्यादा जो खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज़्यादा यूनिक सा आइडिया है देख सकते हो। सो गाइस इसको जो घर में ज़रूर बनाना, ट्राई करना। और चलिए अभी इसको जो यहाँ पर जो इसका पावर सप्लाई है इसको गाइस यहाँ पर लगाते हैं, और इसको करते हैं ऑन, और आपको जो इस पर गाना बजा के सुनाते हैं। सो गाइस सबसे पहले इसको यहाँ पर लगाते हैं, ऑन करते हैं, पीछे का जो स्विच है इसको गाइस यहाँ पर ऑन करते हैं। सो गाइस यहाँ पर ऑन हो चुका है। सो गाइस अभी जो इसका जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है इसको गाइस यहाँ पर प्रेस करके रखना है आपको, तो आप जो लगाओगे आपके हिसाब से। सो गाइस ये देख सकते हो यहाँ पर ऑन हो चुका है, और गाइस जो फोन के साथ कनेक्ट भी हो चुका है, और ये रहा गाइस बेस। तो गाइस मैं अभी बेस को कम करता हूँ, और ये रहा हमारा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को भी मैं जो यहाँ पर मीडियम पर रखता हूँ। सो गाइस अभी चलिए इस पर जो गाना हम लोग बजाते हैं और आपको सुनाते हैं। सो गाइस मैं आपको जो अभी माइक्रोफोन को पास लेके जाता हूँ उसको, आप उसके बाद आपको सुनाता हूँ, अभी आप लोग सुनना। सो गाइस अभी आप लोग सुनना। सो गाइस यहाँ पर जो बहुत जो है अच्छा यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी आ रहा है, और गाइस बेस जो है बहुत खतरनाक आ रहा है, और आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा जो है हिंज आ रहा है, पूरा का पूरा वाइब्रेट होकर जो है इस तरह से जो हिंज रहा है, और गाइस इसका साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है। आप लोग गाइस कुछ इस तरह से इसको बना सकते हो। सो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगे तो गाइस वीडियो को कर लो एक लाइक, और अगर चैनल पर नए हो चैनल को करिए सब्सक्राइब, और गाइस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो गाइस वीडियो को जो है एक लाइक करके जरूर जाना आप लोग। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ और एक धमाकेदार वीडियो के साथ। और गाइस आपको अगर मेरे बारे में और भी अपडेट जानना है तो गाइस मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर सकते हो, स्क्रीन पर शो हो रहा है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जो इसका लिंक है वहाँ पर जाके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, और गाइस जल्दी से जल्दी जो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को इस तरह का वीडियोस अगर आपको फ्यूचर में और भी चाहिए। सो गाइस आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।